गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सना और आप देख रहे हैं सना ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि आज है अबरेश की हल्दी। तो बस अभी बालों की हालत देखो कैसी हो रही है, तो बस अभी फटाफट रेडी होने जा रही हूँ। तो बस थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, रेडी होने के बाद का लुक आपको बताती हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो हम लोग जा रहे हैं अबरेश की हल्दी में। तो मैं इसमें कैसी लग रही हूँ आप मुझे कमेंट करके बताना। सो ब्यूटीफुल लव मेहंदी है रचने वाली, तो मैं पहरी लाली। हम लोग जा रहे हैं अबरेश की हल्दी में। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों मैंने बानी हूँ, क्योंकि हम लोग बाइक से जा रहे हैं तो पूरे बाल खराब ना हो जाए, तो मैंने पूरा कवर कर दी। वहाँ जाने के बाद पता नहीं फेस गाइस बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। बस यहीं पर मंडप बना हुआ है, पूछ पूछ के हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। बड़ी परेशानी हुई है, बस चलते हैं अभी अंदर। अंदर जाके देखते हैं कौन क्या क्या कर रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉन्ग स्पीड में चालू है, क्योंकि मुझे म्यूट करके ऊपर से आवाज़ इसलिए सॉन्ग डालना पड़ रहा है, वॉइस करना पड़ रहा है, क्योंकि सॉन्ग इतना ज़्यादा है कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। तो बस गाइस चलो अंदर, सब यहाँ पर रसम ही हो गया। मैं हमेशा के जैसे फिर से लेट हो गई। तो गाइस ये देखो मैं रेडी होके आ गई हूँ। मेरी आए आए तक हम लोग की हालत ख़राब हो गई। तो दिशांत की मम्मी अमन सब खड़े हैं, और अबरेश का यहाँ पर 90% हो चुका है पूरी रसम। बस हाफ रसम में मैं पहुंची हूँ, तो मैं यहीं तक का वीडियोस ऐड करके डालूँगी, इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं यहीं से स्टार्ट पहुंची हूँ तो अभी यहीं से डालूँगी। क्योंकि नाजमा पापा भी बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, और अबरेश को घसी घसी के लेना चाह रहे, मैं ना अबरेश नहीं लेना, नाजमा पापा के कपड़े पर ही हाथ पोछ दिया। तो चलो चलते हैं। देखो देखो बिलाल कितना गुस्से में बोल रहा है कि मुझे मत लगाओ हल्दी, लेकिन उसको फिर भी लगा रहे हैं नाजमापा। तो गाइस लग गई है हल्दी सबको। यही तो मज़ा है हल्दी का, पेड़े खाने का, हल्दी खा हल्दी लगाने का। तो रसम रसम होती है, ये यहाँ की रसम है। हमारे यहाँ पर कोई रसम नहीं होगी, वहाँ पर थोड़ी नॉर्मल रसम करके ज़्यादातर डांस होगा। तो बस कल हमारे यहाँ की हल्दी है, आज लड़की वालों की हल्दी है। तो ये मैं भी यहाँ पर लाइन में खड़ी हूँ और देख रही हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं, क्या डांस बहुत ज़ोर ज़ोरों से चल रहा है। बस चलो अपनी रसम पूरी करते हैं और फिर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी डांस परफॉर्म के लिए चलते हैं। वहाँ जाके बैठ जाते हैं, उसके बाद डांस देखते हैं। डांस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, सुपर से ऊपर। तो चलो चलते हैं और इन लोगों का डांस देखते हैं। अबित बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अबित को बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सब खड़े हैं, और अबित को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे भी पसंद है, तभी तो मैं भी हर किसी की हल्दी अटेंड ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे हल्दी शादी से ज़्यादा हल्दी मेहंदी में मज़ा आता है। तो जैसे ही इन लोगों का रस्म ख़त्म होगा तो मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी रस्म बाकी है। घर वाले पूरे रस्म कर चुके हैं, मैं हमेशा की तरह लेट आने वाली हूँ। लेट लतीफ़ हूँ ना मैं, हाँ हमेशा लेट आती हूँ। तो अभी इस तरफ से आकर मैं अपनी रस्म करूँगी। सबसे पहला मैं मिठाई खिलाऊँगी, उसके बाद दुल्हन को मिठाई खिलाऊँगी, अक्षत को मिठाई, ऐसा डर गया जैसे कि उसको क्या खिला दी। तो अक्षत को मिठाई खिलाई, उसके बाद हल्दी गर्दन पे इसीलिए लगा रही, क्योंकि दूसरे दिन शादी है तो फेस ख़राब हो जाएगा, और लोगों ने फेशियल वगैरह कर चुके हैं, तो इसलिए गर्दन पे ही सब लोग लगा रहे हैं। तो हल्दी हो गई है, रस्म पूरी हो चुकी है। तो गाइस बस अभी नज़र उतार कर मैं भी सामने जाकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी डांस देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि ये लोग रस्म करते ही रहेंगे करते ही रहेंगे। तो बस गाइस अभी मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, और बैठ के मैं रस्म को खूब इंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग तो डांस कर नहीं रहे, तो इन लोग ही डांस कर रहे हैं।
क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द है, तो इस वजह से सब इन लोगों का ही परफॉर्म होने वाला है। तो गाइस चलो चलते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। और आयशा बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, बस हल्दी लग गई और यहाँ पर अभ्रेश का हो रहा है। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठे है, अभ्रेश है और उसकी वाइफ है। फेस पर पूरा हल्दी मल दिए, तो बस अभी बैठी हूँ मैं यहाँ पर, क्या करूँ। मैं अपनी भाभी के साथ एक डांस करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ मेरी एक फीलिंग। मजा नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रही है। क्या बात है, मन से
दिलदार है, हुस्न का मजाक ना कहीं हुस्न के हाथ तेरा मन चला है खूबसूरत मगर लड़का है तुझे लड़कों और ना समझाए जा रहे हैं कि शादी से पहले क्या होता है और फिर शादी के बाद क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शादी से पहले की खुशी। शादी से पहले का प्यार हम तुम्हारा शादी के बाद का दर्द और शादी से पहले का ख्वाब और शादी के बाद राजकुमार से सीधा एक कुत्ते शादी से पहले शादी के बाद अगर पति घुमा नहीं पाया तो शादी से पहले दुल्हन डांस
हो गया है। तो अभी खाना खाने का टाइम हो गया है। खाना खाने का टाइम हो गया है तो चलो चलते हैं। अरबाज क्या बोलता है, कैसा लगा तुझे? मेरे को तो अच्छा लगा। और इतना हम लोग कल डांस करेंगे तो कल आग लगने वाली है तो जल्दी जल्दी जाओ। और सना मुमानी तो नॉर्मल वाली आग नहीं, आग लगा देंगे सबको। आग लगा देंगे सभी। सब निकल रहे हैं गाड़ी में सब बैठे। तो ये है मंडप, अभी खलास हो गया है सब कुछ फंक्शन। तो चलो चलते हैं घर। उनको आपको बहुत नींद आ रही है, खुदा के आँख में देखो लेंस की वजह से हो गया। तो अभी क्या करते हैं, लेंस